रहस्यमय और भयंकर सफर। पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया था। बदलते मौसम के साथ वहां की धूप और छाया दोनों में ही डर का माहौल फैल गया था। लोगों की आंखों में सिर्फ डर ही नजर आ रहा था। गांव के निवासियों की इस भयभीत स्थिति का कारण था भूतिया किला, जिसकी कहानी उनके दिलों में घर कर चुकी थी। बहुत ही पुराने समय की बात है, जब किले पर एक महल बना था। वहाँ के बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर और कलात्मक सजावट देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि किला किसी महान राजा की राजधानी हो सकता है। परंतु यह दृश्य तो केवल बाहर से ही देखने के मिलता था, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति किले के अंदर कदम रखता तो वह अद्भुत और डरावनी घटनाओं का शिकार हो जाता। कहते हैं कि रात्रि के समय किले की दीवारों से डरावनी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर आ रही हो। गांव के प्रत्येक निवासी ने इस भूतिया किले की कहानियों को सुनकर रात्रि के समय उस किले के पास जाना बंद कर दिया था। यह बात गांव के युवाओं को आश्चर्य में डालती थी कि आखिर रात के समय गांव वाले उस किले के पास भी नहीं जाते। वे लोग इस रहस्य का पता लगाना चाहते थे कि क्या वहां सच में भूत है या बस लोगों का वहम है। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमय किले की सच्चाई को गांव वाले के सामने लाएंगे। एक दिन गांव के युवाओं ने एक मीटिंग बुलाई और तय किया कि वे भूतिया किले के अंदर जाएंगे इस किले का राज जानने के लिए। उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। वे लोग हर डर का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाई और उस किले के रहस्य का पता करने के लिए रात के समय उस किले के पास पहुंच गए। जैसे ही वे लोग किले के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। वे लोग रात्रि के अंधकार में उसी आवाज की ओर बढ़ने लगे, मगर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वे लोग भूतिया किला के अंदर आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वो लोग किले के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे ही किले के दीवारों पे रहस्यमय चित्र दिखाई दे रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि वे किले के अंदर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां सब कुछ रहस्यमय और अज्ञात था। एक कमरे में पहुंचकर उन्होंने विचित्र चीजों को देखा, जो देखने के बहुत ही ज्यादा डरावना था। वे एक दीवार पर लटकी हुई छवि के पास पहुंचे और उसे ध्यान से देखने लगे। वह छवि किसी महारानी की लग रही थी, जिसका चेहरा अद्भुत था। अचानक छवि ने उनसे कहा, तुम यहाँ इतने डरावने किले में आए हो, मैं तुम्हारे साहस की परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करवाऊंगी। अगर तुम उन्हें पार कर पाओगे तो मैं तुम्हें इस किले का रहस्य को जरूर बताऊंगी, जिसे जानने के लिए तुम लोग यहाँ तक आ गए हो। लड़कों का मन उत्सुकता से भर गया, पर उन्होंने अपने साहस को बनाए रखते हुए कहा, हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे और उन्हें पार करेंगे, चाहे वो कितनी भी भयंकर क्यों न हो। उन लड़कों ने उस छवि की चुनौतियों का सामना किया और उसे पार कर लिया। छवि ने उन्हें एक रहस्यमय और भयंकर सच्चाई बताई कि किले के नीचे एक रहस्यमय गुफा है, जिसमें एक प्राचीन भूत बंद है। उस छवि ने उन लड़कों को बताया कि इस किले के नीचे जो भूत बंद है, उसे एक मंत्र से परास्त किया जा सकता है। अगर तुम लोग ऐसा कर पाते हो तो ये किला भूत मुक्त हो जाएगा। जैसे ही वे किले की गहराइयों में जाने लगते हैं, वैसे ही वे अपने पास अजीब आवाजें सुनते हैं और फिर एक बहुत ही भयंकर भूत उनके सामने आ जाता है। भूत की आंखें एकदम लाल, दांत पीले पीले और उसका चेहरे की चमड़ी सड़ी हुई थी। लड़के भूत का इतना भयंकर रूप देखकर भयभीत हो जाते हैं, पर वे अपने डर को काबू करते हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ मिलकर भूत के सामने खड़े होते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, उन्होंने उस भूत से कहा, हम तुम्हारी शक्तियों का सामना करेंगे और तुम्हें परास्त करेंगे। भूत उन्हें देखकर हंसता है और उसकी भयंकर हंसी से किला की दीवारें कांपने लगती हैं।
तुम लोग जितने भी साहसी हो पर तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और तुरंत ही एक भयानक आवाज के साथ वे लड़कों पर आक्रमण कर दिया। लड़कों ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस छवि के द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़ने लगे। मंत्र की आवाज सुन के भूत चिल्लाने लगता है और उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं। अंत में भूत की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इस घटना के बाद भूतिया किले का माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है और गांव के लोग अब रात के समय भी वहां जा सकते हैं।